सेगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शनिवार को निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विकास खंड के 120 नेत्र रोगियों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें करीब 70 नेत्र रोगी का ऑपरेशन चोइथराम नेत्रालय इंदौर में होगा। वाहन से इन ऑपरेशन वाले मरीजों को इंदौर रवाना किया जा रहा है। नेत्र सहायक कमल पाटीदार ने बताया कि अभी तक एक वर्ष में करीब 1200 नेत्र रोगियों का परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिगांव में किया गया, जिसमें चोइथराम नेत्रालय में निशुल्क सफल 350 ऑपरेशन करवाए गए हैं। वहीं आज भी 70 नेत्र रोगियों को निशुल्क ऑपरेशन के लिए इंदौर भेजा जा रहा है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित नेत्र शिविर में कितने लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया? 120 केस को हमने अभी तक देख चुके हैं, उसमें 70 केस की कैटरेक्ट सर्जरी होगी, जिसको हम चोइथराम अस्पताल इंदौर भेज रहे हैं। कितने पेशेंट आए, मतलब टोटल अभी तक? अभी तक हमारे पास 1200 केस की ओपीडी हमने कर ली, एक अप्रैल से लगा के आज तक, और उसमें 350 कैटरेक्ट ऑपरेशन सर्जरी सफल हुई है, जो सभी को दिखाई देता है। क्या नाम लिखता? कमल पाटीदार नेत्र सहायक गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।